बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडिंग विद क्लिक्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिलीशन एट द बिगनिंग इन अरे, कि अरे के स्टार्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट किस तरह से करते हैं। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। डिलीशन एट द बिगनिंग, अगर हमने एक अरे के स्टार्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम उस एलिमेंट को ओवरराइट कर देते हैं। जैसे अगर हमने इस रे में से 5 को रिमूव करना है तो हम 5 को ओवरराइट कर देंगे। तो उसके लिए हम इंडेक्स 1 के एलिमेंट को इंडेक्स 0 पे स्टोर करवा देंगे। तो जैसे ही हम 8 को इंडेक्स 0 पे स्टोर करवाएंगे 5 ओवरराइट हो जाएगा। तो इट मींस कि 5 इस रे से रिमूव हो गया है, 5 अब इस रे में प्रेजेंट नहीं है और अब इंडेक्स 0 पे 8 स्टोर है। तो हमने इंडेक्स 1 के एलिमेंट को इंडेक्स 0 पे स्टोर तो करवा दिया लेकिन इंडेक्स 1 पे अभी भी 8 स्टोर है। इट मींस कि इंडेक्स 0 पे भी 8 स्टोर है और इंडेक्स 1 पे भी 8 स्टोर है। तो अब हमने इंडेक्स 1 से 8 को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम इंडेक्स 2 के एलिमेंट को इंडेक्स 1 पे स्टोर करवा देंगे। तो जैसे ही हम 2 को इंडेक्स 1 पे स्टोर करवाएंगे 8 ओवरराइट हो जाएगा। अब हमने क्योंकि 2 को इंडेक्स 1 पे स्टोर करवा दिया है तो फिर हमने 2 को इंडेक्स 2 से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम इंडेक्स 3 के एलिमेंट को इंडेक्स 2 पे स्टोर करवा देंगे। तो हम 7 को इंडेक्स 2 पे स्टोर करवाएंगे तो 2 ओवरराइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने 7 को इंडेक्स 3 से रिमूव करना है क्योंकि हमने 7 को इंडेक्स 2 पे स्टोर करवा दिया है। तो उसके लिए हम 7 को ओवरराइट कर देंगे इंडेक्स 4 के एलिमेंट को इंडेक्स 3 पे स्टोर करवा के। तो हमने 1 को इंडेक्स 3 पे स्टोर तो करवा दिया लेकिन इंडेक्स 4 पे अभी भी 1 स्टोर है। तो ये 1 ओवरराइट कब होगा? जब हम इस अरे में किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो हम यही कंसीडर करेंगे कि पहले इस अरे में 5 एलिमेंट्स थे लेकिन हमने इंडेक्स 0 के एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो अब इस अरे में 4 एलिमेंट्स हैं और इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 3 है। तो जब भी हमने इस रे में किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो इंडेक्स 4 पे इंसर्ट करेंगे और 1 ओवरराइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रेस को परफॉर्म करने के लिए क्या हुआ है। एंटर रे एलिमेंट्स। तो अगर हमने C++ लैंग्वेज में कोड लिखना है तो सबसे पहले C++ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन इंट मेन। तो सबसे पहले अरे को डिक्लेयर करेंगे। अब आपको पता है कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले एंटर करते हैं अरे की डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है कि जो अरे हम क्रिएट कर रहे हैं इस अरे में हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अगर हमने इस अरे में इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो डेटा टाइप में हम एंटर करेंगे इंट, देन एंटर करते हैं अरे का नेम। आप अरे का नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अरे का नेम सिंपली अरे ही रखा है। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंटर करते हैं अरे का साइज कि इस अरे में हमने कितनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो अरे को डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट अब अरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर अरे एलिमेंट्स हम खुद से एंटर ना करें बल्कि यूजर से इनपुट लें तो सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं एंटर अरे एलिमेंट्स। तो यूजर से अरे एलिमेंट्स इनपुट लेने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का। तो फॉर लूप में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई और आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से क्योंकि अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जीरो होता है। देन एंटर करते हैं कंडीशन कि ये लूप कितनी टाइम्स रन होगा, कब तक हम यूजर से नंबर इनपुट लेते रहेंगे। तो ये तो हमें भी नहीं पता कि यूजर अरे में कितने नंबर्स एंटर करता है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि यूजर अरे में कितने नंबर्स इनपुट करेगा सबसे पहले यूजर से अरे का साइज इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं एंटर साइज ऑफ एन अरे। अब यूजर जो साइज इनपुट देगा उसको आप किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं int n। अब आप देख सकते हैं कि अरे की डाटा टाइप भी इंट है और n वेरिएबल की डाटा टाइप भी इंट है। तो वो वेरिएबल्स जिनकी डाटा टाइप सेम हो उन्हें हम नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करने की बजाय एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए। देन यहाँ पे एंटर करेंगे सी इन एन। तो यूजर अरे का जो भी साइज इनपुट देगा वो एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि यूजर ने एक अरे में कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम फॉर लूप में कंडीशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन एंटर करेंगे आई इज लेस देन एन कि ये फॉर लूप जीरो से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन है एन के। लेट सपोज अगर यूजर ने अरे में 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होगा 0 और लास्ट एलिमेंट यानी 5th एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होगा 4। तो आई इज लेस देन 5, इट मीन्स के फॉर लूप चलेगा 0 से 4 तक। देन आई प्लस प्लस के आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट फॉर लूप की बॉडी में एंटर करेंगे सी इन अरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स नंबर के लिए हमने यहाँ पे आई वेरिएबल को यूज किया है तो यहाँ पे एंटर करेंगे आई। तो ये फॉर लूप किस तरह से वर्क करेगा? तो इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू है 0, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन। तो अगर यूजर ने अरे में 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो इट मींस कि एन वेरिएबल में 5 स्टोर है। तो आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। आई की वैल्यू है 0 तो यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा वो अरे के इंडेक्स 0 पे स्टोर हो जाएगा। देन अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा।
अब आई वेरिएबल की वैल्यू है 1, तो यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा वो अरे के इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा। देन अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा, इस बार आई की वैल्यू है 2, तो यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा वो अरे के इंडेक्स 2 पे स्टोर होगा। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा, इस बार आई की वैल्यू है 3, तो यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा वो अरे के इंडेक्स 3 पे स्टोर होगा। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा, इस बार आई की वैल्यू है 4, तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो अरे के इंडेक्स 4 पे स्टोर होगा। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 5, तो इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अब अगर प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करें तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है एंटर साइज ऑफ एन अरे, अरे का साइज एंटर करेंगे, एंटर की प्रेस करें तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है एंटर अरे एलिमेंट्स। तो अब अरे में 5 एलिमेंट्स ही इंसर्ट करेंगे क्योंकि हमने अरे का साइज 5 इनपुट दिया है, तो इस अरे में एलिमेंट्स तो इंसर्ट हो गए हैं। लेकिन अगर अब यूजर आपसे कहता है कि उसने इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अगेन आप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का। तो फॉर लूप में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई इक्वल टू 0 और कंडीशन एंटर करेंगे आई इज लेस देन एन माइनस 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्यों एंटर की है आई इज लेस देन एन माइनस 1, ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस के आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन फॉर लूप की बॉडी में एंटर करेंगे अरे आई असाइनमेंट ऑपरेटर अरे आई प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने अरे के एलिमेंट को रिमूव करना है तो इस एलिमेंट को हम ओवरराइट कर देते हैं। तो अगर हमने इस अरे में से 5 को रिमूव करना है तो 5 को हम ओवरराइट कर देंगे, इंडेक्स 1 के एलिमेंट को इंडेक्स 0 पे स्टोर करवा देंगे तो 5 ओवरराइट हो जाएगा और फिर बाकी अरे एलिमेंट्स को भी एक इंडेक्स आगे मूव कर देंगे। तो एक्चुअली अरे एलिमेंट्स को एक इंडेक्स आगे मूव करने के लिए हमने एक कोड एंटर किया है अरे आई असाइनमेंट ऑपरेटर अरे आई प्लस 1। तो अब देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करेगा। तो इस अरे में 5 एलिमेंट्स हैं और इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 है। अब हमने इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट यानी 5 को रिमूव करना है, तो फॉर लूप स्टार्ट होगा, आई वेरिएबल की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन एन माइनस 1। तो अब एन वेरिएबल की वैल्यू 5 है क्योंकि इस अरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 माइनस 1 इज 4, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। तो अभी आई वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 इज 1, तो अरे के इंडेक्स 0 पे स्टोर करवा देंगे इंडेक्स 1 के एलिमेंट को। तो अब 5 ओवरराइट हो गया है, अरे से रिमूव हो गया है और अब इंडेक्स 0 पे 8 स्टोर है। तो अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगेन फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई वेरिएबल की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो अब इंडेक्स 2 के एलिमेंट को स्टोर कर देंगे इंडेक्स 1 पे। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई वेरिएबल की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 1 इज 3, तो अब इंडेक्स 2 पे स्टोर करवा देंगे इंडेक्स 3 के एलिमेंट को। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा। अब आई वेरिएबल की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 1 इज 4, अब इंडेक्स 3 पे स्टोर करवा देंगे इंडेक्स 4 के एलिमेंट को। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन में एक्चुअली आई इज लेस देन एन माइनस 1 इसलिए एंटर किया था क्योंकि हमने इस फॉर लूप को रन करवाना था जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू 0 से 3 तक है, यानी लेस देन 4 है, क्योंकि हमने इस अरे के 0 से 3 तक इंडेसेस पे एलिमेंट्स को मूव करना था। अब हमने 1 को ओवरराइड करने के लिए इंडेक्स 4 पे किसी भी एलिमेंट को स्टोर नहीं किया क्योंकि अब इस अरे में और एलिमेंट्स ही नहीं है। लेकिन जब भी हम इस अरे में किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो इंडेक्स 4 पे इंसर्ट करेंगे जिससे 1 ओवरराइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब आप देखें कि इस अरे में पहले 5 एलिमेंट्स थे, हमने इस अरे के एक एलिमेंट को डिलीट किया है, तो अभी इस अरे के एलिमेंट्स 4 हो गए हैं। तो फिर हम n वेरिएबल की वैल्यू में भी डिक्रीमेंट कर देंगे, तो पहले n वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, अब n वेरिएबल की वैल्यू 4 है। तो अब हमने अरे के स्टार्ट से एलिमेंट को रिमूव तो कर दी है, लेकिन अब यूजर को दिखाने के लिए कि एलिमेंट 5 इस अरे से रिमूव हो गया है, हम अरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो अरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए अगेन हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। तो एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने से पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट अरे आफ्टर डिलीशन। तो नेक्स्ट अब फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस और फॉर लूप की बॉडी में अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए एंटर करेंगे सी आउट अरे आई। तो ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा और कब तक रन होगा, जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू लेस देन एन है, यानी लेस देन 4 है। तो इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 के एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होंगे। नेक्स्ट मेन फंक्शन को एंड करते हैं रिटर्न 0 से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होने के बाद सेकंड एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे एंडल ऑपरेटर का। इसके अलावा स्क्रीन पे टेक्स्ट डिस्प्ले होने के बाद
अरे एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए यहाँ भी यूज़ करेंगे एंडल ऑपरेटर का। अब अगर प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करें तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है अरे आफ्टर डिलीशन, और आप देख सकते हैं कि 5 इस अरे से डिलीट हो गया है। तो इस तरह से अरे के स्टार्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिलीशन एट द बिगिनिंग इन अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।